बड़ी खबर यूपी के अमेठी जिले से है, जहां संग्रामपुर थाने की पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सेना में तैनात जवान पर सिविल पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का बड़ा मामला सामने आ रहा है। पूरा वाक्या संग्रामपुर थाने के कनु केवलापुर गाँव का है। गाँव के कुछ दबंगों ने सेना के एक जवान की जमीन पर ही कब्जा कर उसके बीवी बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। इससे आहत जवान शुक्रवार को परिवार संग अमेठी तहसील में धरने पर बैठ गया। आपको बता दें कि पुलिस व प्रशासन की लापरवाही इस तरह बढ़ गई है कि कोरे आश्वासन और धमकी से तंग सेना के जवान की आंखें मीडिया के सामने नम हो गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बृजेश कुमार दुबे भारतीय सेना में तैनात हैं। एक से डेढ़ साल पहले उसने एक जमीन बेनामा लिया था, जिसकी सरकारी पैमाइश कराकर अपना छप्पर रखा था। अब उसी जमीन को गांव के 7 से 8 लोग कब्जा कर लिए हैं। बीवी और बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जवान डीएम, एसडीएम, एसओ और सीओ से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुका है। फिलहाल एसडीएम अमेठी से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जवान ने 6 महीने पहले जमीन ली थी, उस पर गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। आइए सुनते हैं माथत अधिकारियों व जवान का क्या कहना है। मेरा नाम लांस नायक ब्रजेश कुमार दुबे है, जो 40 राष्ट्रीय राइफल जम्मू सोजिया सेक्टर में तैनात हूँ। मेरा गांव कौलापुर कनू संग्रामपुर थाना अमेठी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। क्या समस्या है, किस लिए आप बैठे हैं, पूरा मामला बताइए। मेरी जमीन, मैं एक जमीन बेनामा लिया था 1 से 1.5 साल पहले, जिसकी पैमाइश अखबाराई तहत करवा चुका हूँ और मैं उसमें अपना छप्पर रखा हुआ था। उसमें कुछ SC ST के लोग, 7 से 8 लोग था, उनके घर की महिलाएं, जिनका नाम सुरेंद्र, राम बहादुर, मथुरा, सजीवन, तुलसी राम, विजय कुमार, श्री राम इत्यादि, उनके घर की महिलाएं तथा बच्चे हमारी जमीन को कब्जा कर लिए हैं और वो हमारे को जाने से मना करते हैं। अतः हमारे बच्चे और बीवी को जान से मारने की धमकी देते हैं। अतः हम क्या करें, हमारी जमीन मिल नहीं रही है। अब तक किससे किससे मिले, किसी के साथ? अब तक मैं DM के पास दे चुका हूँ अप्लीकेशन जाके, SDM के पास 2 बार, तीसरी बार आया हूँ मैं, उसके बाद थाना प्रभारी के पास जा चुका हूँ मैं, अभी CO साहब के पास जा चुका हूँ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि राजस्व की टीम जाए अभी, तभी आपका मैं चल के तुरंत कब्जा कराऊंगा। अभी मैं क्या करूँ बताओ, राजस्व की टीम बोलती है सिविल कोर्ट आप जाइए। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? अभी मेरे को नहीं, मैं तो भारतीय सैनिक हूँ, मैं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा हूँ, जो कि हमारे जहाँ हमारा पोस्ट है वहाँ से 500 से 700 मीटर दूरी है पाकिस्तान का बॉर्डर। हम लोग तो वहाँ 24 घंटे बर्फ पड़ती है, वहाँ रहते हैं, अतः हमारी जमीन की सुरक्षा नहीं प्रशासन कर पा रही है। बताइए मैं क्या करें, हमारा बच्चा और बीवी जो कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, मैं अभी मैं क्या बताऊँ, प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रही है। मेरे को बोलता है सिविल कोर्ट जाइए आप, अभी मैं जाऊँ कहाँ बताओ आप। आज एक सैनिक बैठा था, क्या प्रकरण था पूरा? ये एक सैनिक आया था ब्रजेश, इसने बैनामा लिया है लगभग 6 माह पूर्व, बैनामे की ज़मीन पे इसका कब्जा नहीं है, और जिससे इसने बैनामा कराया है वो भी स्वयं जोतता बोतता नहीं था और ना ही उसका कब्जा था, उसने भी बटाई पे किसी को ज़मीन दे रखी थी। उसी ज़मीन में इसका ये कहना है कि गाँव के एक व्यक्ति है, उसने थोड़ा सा छप्पर रख लिया है और वहाँ पर ग्राम समाज भी है, तो ये चारा, ये इसका ये कहना है कि वो हमारी ज़मीन में छप्पर रख रहा है, जबकि इसका कब्जा अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी इसका एप्लीकेशन लेके और राजस्व टीम और पुलिस को भेजा जा रहा है मौके पर कि देख ले प्रकरण क्या है और पैमाइश करके रिपोर्ट दे। आपके ऑफिस सामने धरने बैठ गया था? पता नहीं, जानकारी नहीं हुई, आता हमसे बताता, सारी बात बताता तो हम समझते क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन पता लगा हमें कि बैठा है तो फिर इसको बुलवाया गया, फिर पूछा क्या मैटर है, तो तब इसने बताया कि ये मैटर है और इसका निस्तारण हो गया, वो चला गया है, पैमाइश आज शाम को करा दिया। सुना आपने, जिले के जिम्मेदार किस तरह से जवान की समस्या को हल्के में लेकर नज़रअंदाज कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर में बड़ा सवाल यह है कि जिले की पुलिस व प्रशासन सरहद पर तैनात जवान की मदद क्यों नहीं कर रही है। वहीं दूसरा मामला सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव का है, जहां भारतीय थल सेना में तैनात जवान नवीन कुमार की मदद यूपी पुलिस नहीं कर रही है। विपक्षियों को संरक्षण दे जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा डाला है। आपको बता दें कि नवीन तिवारी आर्मी में सैनिक हैं, जब भी घर छुट्टी पर आते हैं तो इनके पड़ोसी शैलेंद्र तिवारी, प्रेम प्रकाश, ओम प्रकाश, घनश्याम समेत उनके परिजन लाठी डंडे से एक राय हो विवाद व मारपीट करते हैं। अभी 12 जून को यही विपक्षी बाइक तोड़ दिए, उल्टे कुड़वार व बंधुआ कला पुलिस को गुमराह कर फौजी व उनके भाइयों के खिलाफ सुल्तानपुर पुलिस में मुकदमा दर्ज करा डाला है।
जबकि सैनिक मदद के लिए स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक गुहार लगाई, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। विवाद को बचाने के लिए फौजी अपने घर नहीं जा रहा है। नवीन जी, आप क्या करते हैं? सर, मैं सेना में सैनिक हूँ। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है, हमारे पड़ोसी जब भी मैं छुट्टी आता हूँ, आए दिन विवाद करते रहते हैं, ट्रैक्टर से हमारा ईंटा ठेल देते हैं और हर वक्त यही बोलते हैं, मैं आपकी नौकरी खा लूँगा, मैं आपको नौकरी नहीं करने दूँगा। और जब भी मैं छुट्टी आता हूँ, मेरे पिताजी अभी अक्टूबर में एक्सपायर हुए थे, मैं उस पे आया था, उसमें विवाद किए, मेरे को गांव वालों के लपेट में फंसाते थे, इनसे झगड़ा हो जाए, ये फंस जाए, जेल चला जाए, इसकी नौकरी चली जाए। और मेरी सिस्टर का गौना था अभी, उसमें ये मेरे को फंसाने की कोशिश किए। और हमारे पिताजी कमांड हॉस्पिटल में एडमिट थे, हमारे छोटे भाइयों को पीटा घर पे। और मैं अभी छुट्टी आया तो ये ट्रैक्टर ले आए, हमारे घर के सामने खड़ा कर दिए और मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन वो ट्रैक्टर लेके गए और ले आए, मेरा ईंटा तोड़ दिया, उसके बाद घर पे गाड़ी पकड़ दिए, हमारे भाई साहब ने बोले तो मोटरसाइकिल भी तोड़ दिए, उसके बाद बोले कि मैं आपको जेल करवा दूंगा, आपकी नौकरी खा लूंगा। तो अब सवाल यह है कि जो सैनिक देश की रक्षा में बलिदान देने को तैयार है, आखिरकार उसकी मदद यूपी पुलिस क्यों नहीं कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनुराग द्विवेदी, दस्तक भारत, यूपी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल दस्तक भारत।